ग्रामीण इलाकों में किसान भाइयों द्वारा अपनी धान की कटाई को प्रारंभ कर दिया गया है। साथ ही धान कटाई के बाद धान की बिक्री के लिए किसान भाई धीरे धीरे धान खरीद केंद्रों की ओर कूच कर रहे हैं। मुरादाबाद के नवीन मंझोला मंडी में जिला प्रशासन के दिशा निर्देशन में धान खरीद केंद्र का शुभारंभ कर दिया गया है और किसानों के लिए धान खरीदने की व्यवस्था के सभी मुकम्मल इंतजाम भी कर लिए गए हैं। मंझोला स्थित नवीन सब्जी मंडी पर मौजूद रहे धान खरीद केंद्र प्रभारी द्वारा बताया गया कि सरकार द्वारा धान का रेट निर्धारित कर दिया गया है और धान खरीद केंद्र खोलने के उपरांत किसानों से अपील की जा रही है कि वे समय से धान की बिक्री के लिए सरकारी केंद्र पर आकर अपना धान बिक्री कर सकते हैं। सिरिजाना से बात करते हुए धान खरीद केंद्र पर मौजूद रहे केंद्र प्रभारी द्वारा बताया गया कि हमारे यहाँ पर तोल का पूरा इंतजाम है और किसान भाइयों के बैठने के लिए जगह भी मुकम्मल है। केंद्र खुल गया है, समझ व्यवस्थाएं हमारे यहाँ पूर्ण है। किसान भाइयों से अपील की जाती है कि अपना धान साफ कर क्रय केंद्रों पर लाए। इस बार सरकार की तरफ से क्या रेट निकला है? इस बार सरकार की तरफ से 1940 रुपए का कॉमन का रेट निकला है। तो जो किसान भाई हैं उनसे इस धान को लेकर क्या अपील करना चाहेंगे, किस तरह का धान लेके आए हैं आपके पास? बस धान को थोड़ा सा साफ करके सुखा कर लेकर आए, तो बाकी कोई समस्या उनके लिए आएगी नहीं। तो इसके लिए पहले सर क्या रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है? हाँ, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। पहले उसका रजिस्ट्रेशन करा लें आप। रजिस्ट्रेशन से फिर वो तहसील से वो सब जमीन वगैरह वेरीफाइड होती है। वेरीफाइड होते ही धान दिया जाता है। सब पैसा जो है सब अकाउंट में जाता है।